सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, यू कैन एंटीन राइडर। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने आ रहा हूँ एक्सपर्स का जो मीटर कंसोल है उसके कुछ सेटिंग्स के बारे में। उसमें आपको ब्लूटूथ नेविगेशन कैसे ऑन करनी है, कैसे आप उसमें ट्रिप ऑन ट्रिप टू चेंज कर सकते हैं और कैसे आप उसमें डेट टाइम सब कुछ चेंज कर सकते हैं। इको मोड में क्या है, इको मोड कैसे वर्क करता है, उसमें आपको मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। आपको नोटिफिकेशन कौन सी ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ये रही अपनी बाइक और चलो मैं दिखाता हूँ आपको इसका मीटर कंसोल। तो गाइस कुछ इस तरह से इसका मीटर आपको दिखते हैं। चाबी ऑन करते हैं, फुल स्वाइप मारता है। अगर सबसे ऊपर से बात करें तो यहाँ पे साइड स्टैंड इंडिकेटर आता है, स्टैंड में ऊपर करते हैं तो अपने आप चला जाता है। यहाँ पे एबीएस की लाइट ब्लिंक करती है, इंजन माल फंक्शन का सिग्नल है। ये आपको आरपीएम मीटर दिखता है, यहाँ पे आपको टाइम दिखता है, ये आपका स्पीडोमीटर है, ये आपको ओडोमीटर दिखता है कितने किलोमीटर्स आप कंप्लीट कर चुके हैं। मेरे 1300 किलोमीटर्स हो चुके हैं। ये आपको ट्रिप ऑन दिखता है, यहाँ पे आपको एक मोड का बटन है, एक सेट का बटन है। मोड से आप ट्रिप टू में जा सकते हैं। ये ब्लूटूथ पेयरिंग के लिए है, ये इसका इको मोड है। तो यहाँ पे गियर शिफ्ट इंडिकेटर है जो कि जब आप पूरा क्लच रिलीज करते हैं उसके बाद ही आपको शो करता है कि आप कौन से गियर में। अगर आप क्लच हल्का सा भी प्रेस करते हैं तो आपको दिखता नहीं है, तो ये इसका एक हल्का सा डाउन साइड है। तो गाइस अगर आपको ये टाइम चेंज करना है तो आपको ये दोनों बटन एक साथ लॉन्ग प्रेस करने होंगे। तो यहाँ पे जो आर है उसका जो सिग्नल वो ब्लिंक करने लगता है, तो आप इसे चेंज कर सकते हैं एस बटन दबा के। जैसे 12, 13, 14, तो आप 24 आवर्स तक चेंज कर सकते हैं। टाइम अभी हो रहा है 11:47, तो मैं इसे 11:47 पे ही कर देता हूँ। आर को 11 पे। अगर आपको मिनट चेंज करने हैं तो आपको एम बटन दोबारा से प्रेस करना है। तो अभी मिनट्स पे स्विच हो गया, तो मैं इसे एक मिनट बढ़ा दिया, तो सेट हो गया। फिर से मोड बटन एक बार एम बटन दबा दो, तो यहाँ पे आप एयर चेंज करने का ऑप्शन आया, तो आप एस बटन दबा के एयर चेंज कर सकते हैं। इसमें डेट का भी ऑप्शन आ जाता है, तो आप ऐसे चेंज कर सकते हैं। ये आ गया इसमें मंथ, तो आप एस बटन से मंथ ऊपर या नीचे कर सकते हैं। फिर से आप एम दबाएंगे तो ये डेट आ गई है, तो आप फिर से एस दबा के डेट को ऊपर नीचे चेंज कर सकते हैं। एम दबा के सेट हो जाएगा। ऐसी ट्रिप भी यहाँ पे चेंज करनी है, जैसे अभी चलते हैं ट्रिप टू में, तो ट्रिप टू हमें रीसेट करनी है तो एस का बटन दबाना है। लॉन्ग प्रेस करना है एस का बटन, तो ये ट्रिप रीसेट हो गई है। तो आपको अपनी बाइक में ब्लूटूथ मोड ऑन करके अपने फोन के इस ऐप में जाना है, हीरो राइड गाइड ऐप करके है। तो इस ऐप को आपके ओपन कर रहे हैं, इसमें एक्सपल्स आपको चूज करनी है। फिर आपको कुछ सेटिंग्स इसमें सेट करनी होंगी, परमिशंस देनी होंगी, तो वो चेंज करके आप इस ऐप में ओपन हो जाएंगे। तो देखिए ऐप खुल चुका है, इसमें आपको बाइक दिख रही होगी, हीरो 361B करके दिख रही है। हाँ, तो इस बाइक पे आपको क्लिक करके नेक्स्ट पे चले जाना है, क्योंकि यही बाइक है। तो इस पे आप अपना बाइक का नाम चेंज कर सकते हैं। तो मैं इस पे एक्सपल्स 200 लिख देता हूँ और फिर कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ। तो गाइस कनेक्ट पे क्लिक करके ये डिस्क्लेमर इसे ओके करके हमारा जो नेविगेशन है वो ऑन हो चुका है। तो इस पे आप कोई भी डेस्टिनेशन डालेंगे, जैसे मैं नैनीताल डालता हूँ, तो नैनीताल डाला मैंने और स्टार्ट कर दूंगा इसे मैं जैसी, तो वैसी वहाँ नेविगेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं स्टार्ट राइड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ट्रिप बाय ट्रिप नेविगेशन शुरू हो चुका है। तो इसमें ट्रिप बाय ट्रिप नेविगेशन मिलता है आपको, जो कि आपको राइड करते वक्त बहुत हेल्प करता है। तो यह गाइस ये था इसका एक और फीचर, ब्लूटूथ में हमको कैसे नेविगेशन ऑन करनी होती है। तो इस ऐप का लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें जैसे हमें कॉल भी आ रहा है, जैसे अननोन, इसमें नंबर आपको नेम दिख जाता है कि किसकी तरफ से कॉल आ रहा है आपको। मैंने नेविगेशन ऑफ कर दी, तो यहाँ पे देखो रीच्ड लिखा हुआ आ रहा है और ऊपर एक मिस कॉल आ रही है, जो मैंने कॉल आया था अभी दिखाया था आपको। तो ये इसका एक बहुत अच्छा फीचर है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, इसमें आपको मैसेजेस सारे नोटिफिकेशन कॉल सब दिखता है।
और नेविगेशन तो है ही। तो ये जो इसके बाद ये है, ये इकोनॉमी मोड है। मैं आपको बता दूं कैसे वर्क करता है। इसमें आप थोड़ा बहुत फ्यूल सेव कर सकते हैं। वो कैसे, जैसे जब आप हाईवे पर राइडिंग करते हैं तो आपको कौन से गियर में कौन से स्पीड पर रहना पड़ेगा, तो उसमें दिख जाता है। अगर ये तीनों डॉट फिल है तो मतलब आप सही स्पीड में चल लें। तो अगर आप हाई स्पीड में चल लें लेकिन आपका गियर डाउन है, तो ये आपको गियर अप करने के लिए एक इंडिकेशन देता है। तो बस यही था इसके मीटर कंसोल में। आपका फ्यूल मीटर है, फ्यूल गॉज है, तो इसमें ब्लिंक करता रहता है। अगर आपका फ्यूल 2 लीटर से कम होता है तो ये ब्लिंक करने लगता है कि आप जल्द से जल्द फ्यूल डलवाएं इसमें। तो गाइस बस यार इतना था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। कोई भी क्वेश्चन या सजेशन हो तो नीचे कमेंट जरूर करना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। टिल देन राइट सेफ, दिस इज यू कनेक्टेड राइडर। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।